हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे आप सब। अभी ये नंबर से मेरा पीछे से पढ़ रहे थे तो मैं वीडियो किया था। मेरा पास ये नंबर से मेरा पास शिवासी बैठा है। मैं यहाँ पे एक सब्जी लेकर आए, वही अभी मैं सब रखती हूँ। और सुरन ले एप्पल लेकर आए थे यहाँ पे, ये सुरन और भी भिंडी ये तुराई ये बिटरगढ़ की सब्जी, वो बिटरगढ़ रहते हैं कलरा ये जोड़ूंगा। ये टमाटो रसुन पोटैटो चिल्ली जिंजर अनियन सब लेकर आए थे। मैं यहाँ पे 30 दूर हूँ, पति देव ने ये काट कर लेकर आती है ऐसा, उसको मैं अच्छे तरह से साफ करती हूँ। अभी मैं उसको अच्छे तरह से धुल रहा हूँ एक एक करके। धुल लिया है और एक बार भी धुआ, दो तीन बार पहले धुआ था और उसके बाद उसको पूरा अच्छे से साफ करके नमक हल्दी ऐड कर लिया। अभी पैन बैठा लिया, उसमें राई का ऑयल लिया है। पैन मेरा गर्म हो चुकी है, ऑयल भी गर्म हो चुकी है। मैं अभी फिश को उसमें ऐड करूँगी। फिश मेरी रेड कलर हो चुकी है, मैं उसको पलट दूँगी। यहाँ पे मैं रसुन अनियन टमाटर लिया है, अभी चॉप कर लिया है। मैं टमाटर और अनियन जिंजर खड़ा मसाला सब साथ में, लहसुन सब साथ में पेस लूँगी। मैं यहाँ पे फिश को निकाल लिया है, पैन बैठा लिया है, उसमें डाल और तेज़पत्ता ऐड किया है, उसके बाद अनियन ऐड किया है। अनियन को हल्का गोल्डन कलर होने तक मैं फ्राई किया। अब मैं पोटैटो को अच्छे तरह से वॉश कर लिया और उसको छोटा छोटा पीस में काट लिया, इस साइज में काट लिया है। और उसको भी ऐड कर लिया है, पोटैटो को थोड़ा ऑयल से ऐड कर तो टेस्ट बढ़ जाता है। और ऑनियन के फ्लेवर भी पोटैटो का अंदर जाते हैं, इसलिए ऑनियन के साथ पोटैटो को फ्राई कर रहे हैं। और उसके बाद मैं जो मसाला का पेस्ट था उसको ऐड कर लिया। यहाँ पे मेरा पास फिश मसाला ख़त्म हो गया था, मैं मटन मसाला ऐड कर लिया और धनिया पाउडर चिल्ली पाउडर सब साथ में ऐड कर लिया। मेरा पोटैटो को अच्छे तरह से कस लिया है। अभी मैं उसमें पानी ऐड कर लूँगी, पानी ऐड कर लिया है। देखो मैं मुझ
को तो इतना पानी चाहिए था इसलिए इतना पानी ऐड किया है। अभी पोटैटो मेरा बॉयल हो गया, मैं फिश को ऐड कर रहा हूँ। देखिए फिश को ऐड कर लिया, जो सब फिश ऐड करने के बाद मैं उसको 5 मिनट घोड़ा लूँगी, 2-3 मिनट घोड़ा लूँगी। मिर्ची पाउडर एंड ऐड किया है। देखिए मेरा सब्जी कैसा दिख रहा है, और फिर से उसका पानी खींच लिया है।